हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे फिल्टर मेनू, बेसिकली फोटोशॉप के अंदर फिल्टर मेनू का यूज हम कैसे करते हैं, ये चीज को हम आज देखेंगे। तो फिल्टर मेनू को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कोई एक इमेज ओपन करना होगा। तो मैं एक इमेज इसको ही ले लेता हूँ बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अलग अलग फिल्टर्स लगाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका मैं कॉपी तैयार कर लेता हूँ, देन यहाँ फिल्टर पर आऊँगा। बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है लास्ट फिल्टर, इसमें से लास्ट फिल्टर जो भी यूज़ किया रहूँगा वो इस पर एक्टिव होगा। कोई भी फिल्टर मैं यूज़ किया हूँ इसलिए लास्ट फिल्टर एक्टिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। अगर किसी इमेज को, किसी लेयर को स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब जब भी इस पर मुझे फिल्टर लगाना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा और देन मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा और वो भी मैं यहाँ से फिल्टर लगा दूंगा, लगा लिया और देन मैं ओके करूँगा और यहाँ से मैं सेव करूँगा। तो ये क्या होगा कि इस वाले फिल्टर में, इस वाले लेयर पर ये अपडेट हो जाएगा। तो स्मार्ट फिल्टर बेसिकली डायरेक्टली हम यहाँ फिल्टर नहीं लगा सकते, इसको ऑब्जेक्ट वाले पार्ट पर लगा सकते। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर में आगे। फिल्टर में आगे जो है बेसिकली हमारा जो अब जो यहाँ पर जो है फिल्टर गैलरी बेसिकली हमारा एक्टिव हो गया। लास्ट वाला बेसिकली कौन सा था, फिल्टर गैलरी हमने यूज़ किया था, फिल्टर गैलरी आ गया। अब फिल्टर, अब इसमें जो नेक्स्ट चाहिए बेसिकली फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी क्या होता है, हमको अलग अलग फिल्टर यहाँ मिलता है, जैसे कि आर्टिस्टिक इफेक्ट, यहाँ आर्टिस्टिक फिल्टर है। फिर यहाँ पर हमारे पास ब्रश स्ट्रोक है, यहाँ पर डिस्टॉर्ट टाइप के है, स्केच टाइप के, अगर स्केच आपको बनाना है, या स्टाइलाइज है, कुछ टेक्सचर टाइप के यहाँ पर है। तो ये बेसिकली अलग अलग टाइप के यहाँ पर मेरे पास फिल्टर पड़े हुए, जैसे कि स्केच टाइप का बनाना है तो ये हो गया। अब इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ से मैं साइज कम ज़्यादा करके इसको मैं चेंज करके स्मूथनेस अपने सेटिंग अपने हिसाब से बेसिकली किस तरह से आपको स्केच बनाना है उसके हिसाब से यहाँ से आप स्केच बना सकते हो। यहाँ से यहाँ से वैल्यू कम ज़्यादा करके भी आप बेसिकली यहाँ से डिटेल्स में और चाहिए तो इसको मैं बढ़ा दूँ। यहाँ से थोड़ा हाईलाइट पार्ट ज़्यादा हो गया, अगर डार्क के तौर पर बढ़ा दूँ या कम कर दूँ तो ये क्या हो जाए, यहाँ से मैं भी इस फिल्टर की सेटिंग कर सकता हूँ। ये देखो इस तरह से भी कुछ आपको इफेक्ट बनाने हैं तो आराम से बन जाएगा फिल्टर का यूज करके। इसके अलावा फिल्टर्स में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर क्या होता है जी, यहाँ पर भी कुछ एक विंडो अलग से खुल जाएगा। यहाँ पर इस फोटो के अंदर आपको जितने भी कलर करेक्शन करने हैं उसके हिसाब से बेसिकली आप अपने हिसाब से यहाँ से कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो कि क्या क्या है। एक्सपोजर यहाँ से घटा बढ़ा दो, एक्सपोजर में थोड़ा सा लाइटिंग हो जाए, कंट्रास्ट घटाना या बढ़ाना है वो आप अपने हिसाब से इसमें देखोगे कि किस चीज़ को घटाओगे, किस चीज़ को बढ़ाओगे तो आपके फोटो जो है क्लीन होगा या सही से बेसिकली क्या होगा देखने में अच्छा लगे। इस तरह से यहाँ से शार्पनेस कम ज़्यादा करना है, नॉइस कम ज़्यादा करना है, कलर मिक्सर का तो पार्टिकुलर एक किसी कलर को भी आगे पीछे आप कर सकते हो। देखो इस तरह से बेसिकली फिर यहाँ से भी आप कुछ अपना तो अपने हिसाब से इसमें क्या क्या आपको लगाना है, इसमें से आपको किस तरह से क्या लगाना है बेसिकली आप देख के बेसिकली ओके करोगे तो क्या होगा, इस फोटो में वो फिल्टर अप्लाई होकर बेसिकली चेंज हो जाएगा। आप देखो कितना चेंजिंग इसमें हुआ है, पहले जो इमेज था मेरा इस टाइप का था, फिल्टर लगने के बाद कुछ इतना लाइटनेस हो गया। तो ये बेसिकली होता है कैमरा रॉ फिल्टर। इसके बाद हमारा आता है लेंस करेक्शन। लेंस करेक्शन क्या होता है, हम जैसे कि किसी भी कैमरा से बेसिकली मैं फ़ोटो खींचूँ, मैं दूसरे कैमरा के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जितने भी कैमरा कंपनी आते हैं लगभग सारे से निकॉन कैमरा के लेंस से किस तरह दिखेगा फोटो, अगर या से अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग, हर कंपनी के जो कैमरे होते हैं उनके लेंस थोड़े अलग अलग होते हैं। तो आपको कौन से कंपनी के कैमरे के लेंस के हिसाब से इस फोटो को उठाना है, यहाँ से क्या हो तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। फिर भी उसके अलावा भी बेसिकली अब यहाँ से भी और भी अलग अलग चीज़ें हैं कैमरा के टाइप, और उसको ओके करोगे तो बेसिकली क्या होगा, इस इमेज में उस लेंस के हिसाब से फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लिक्विफाई। लिक्विफाई क्या होता है, जैसे जो मैं लिक्विफाई बेसिकली क्या होता है जी, अगर कोई टेक्स्ट इफेक्ट में बना रहा है तो कुछ इस तरह से कुछ चीज़ को घटाना बढ़ाना है, कुछ चीज़ को आपको जैसे जो इस पार्ट को मुझे इस तरह से बना देना है, इस तरह से वाल को, तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं जी, लिक्विफाई का यूज करके बेसिकली क्या किया जी, इसके बाउंड्री वाल को मैं चेंज कर दिया। तो इस तरह से भी हम लिक्विफाई का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिल्टर में आते हैं
जैसे जी यहाँ पर और भी बहुत सारा फिल्टर है आप यूज करते, कितना गॉसियन बल्ब क्या होता है जो हल्का सा बल्ब इस टाइप से यूज हो जाएगा। इसके अलावा और भी इफेक्ट होता है, जैसे जो फिल्टर में बात करें, जैसे जो यहाँ पर अगर नॉइस बढ़ाना है तो अलग अलग 10 स्केच के टाइप से हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं साइज बढ़ा दूँ, रेडियस शॉर्ट बढ़ा दूँ और देन ओके करूँ तो क्या होगा जो मेरा उसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा डस्टी टाइप का इमेज हो जाएगा। इसके अलावा और भी फिल्टर्स में आते हैं, आप यहाँ से चेक करना है। बेसिकली ब्लर गैलरी अलग है, ब्लर अलग है, 3D फिल्टर अलग है। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फिल्टर, हर एक यहाँ पर अलग टाइप के फिल्टर दिए हुए हैं। आप इनको यूज करके एक बार देखो और देन अप्लाई करके चेक करो। तो ये बेसिकली फिल्टर मेनू लगभग हमारा ओवरव्यू हो गया।